हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सीमा पांचाल फ्रॉम श्रीमती एलपी सवानी विद्या भवन। एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू लेसन, लेसन नंबर 7, तट पर पिकनिक। सो स्टार्ट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट हम देखेंगे कि पिक्चर में हमें क्या क्या दिखाया गया है। सो लेट सी। देखिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है पीछे बीच है और एक किनारा है। किनारा मतलब तट, समुद्र का किनारा। और यहाँ पर एक शॉप है आइसक्रीम की, जहाँ पर कुछ बच्चे आइसक्रीम ले रहे हैं। और नीचे एक फैमिली बैठी है जो कि पिकनिक मनाने आए हैं और कुछ अपने साथ खाने का सामान भी लाए हैं और बैठ के खा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर कुछ खेलने की चीज़ें भी रखी हुई है, जैसे फुटबॉल है। तो यहाँ पर एक फैमिली है जो कि पिकनिक मना रही है तट के किनारे पर। सो स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं ये पोयम। सो लेट्स स्टार्ट। आज मनाए तट पर पिकनिक, खाए खूब तरबूज, नदी किनारे बैठकर सारे मौज करें हम खूब। तो इस पोयम में बताया है पिकनिक के बारे में कि एक फैमिली है जो पिकनिक मनाने के लिए तट पर जाती है। तट मतलब बीच या समुद्र का किनारा। और वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, खाएं खूब तरबूज। तरबूज मीन्स वाटरमेलन। तो देखिए, पिक्चर में भी हमें दिख रहा है वाटरमेलन खाते हुए। तो आज मनाएं तट पर पिकनिक, खाएं खूब तरबूज, नदी किनारे बैठ के सारे मौज करें हम खूब। और क्या बोल रहे हैं कि हम सब नदी किनारे बैठेंगे और खूब मौज करेंगे। मौज कैसे करेंगे, यहाँ पर वो सामान लाए हैं खेलने के लिए, फुटबॉल खेलेंगे, दूसरे दूसरे गेम खेलेंगे और वहाँ पर आइसक्रीम खाएंगे और ठंडी ठंडी पवन आएगी, हवा आएगी, उसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही वो जब सब खाना लाए हैं वो सब खाएंगे, तो इस तरह वो मौज करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर इस पोयम में बताया है कि आज मनाए तट पर पिकनिक, खाए खूब तरबूज, नदी किनारे बैठकर सारे मौज करें हम खूब। सो स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 चैप्टर के व्यंजन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट व्यंजन है हमारे यहाँ पर त। त से तरबूज। त से तरबूज। तरबूज मीन्स वाटर मेलन। तरबूज मीन्स वाटर मेलन। तो तरबूज अभी कैसे लिखते हैं ये देखेंगे हम। तो फर्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पर स्लीपिंग लाइन, फिर थोड़ा सा कर्व लाइन लेते हुए नीचे जाएंगे, फिर बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो बन जाएगा हमारा त से तरबूज। त से तरबूज। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट व्यंजन, तो वो है थ से थर्मस। थ से थर्मस। थ से थर्मस। तो अभी देखेंगे थ से थर्मस किस तरह लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहले हम बनाएंगे छोटा सा सर्कल, फिर नीचे की तरफ उसे ले जाते हुए, फिर यहाँ से हम इस तरह ऊपर की तरफ जाते हुए बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन और अगेन स्लीपिंग लाइन। तो बन जाएगा थ से थर्मस। थ से थर्मस। तो क्या देखा हमने अभी, त से तरबूज, थ से थर्मस। अब हम देखेंगे आगे की एक्सरसाइजेस। सो स्टार्ट। फर्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वर्ण पहचानिए और समान वर्ण पर गोला लगाइए। रेकनाइज द लेटर एंड सर्कल द सेम। तो फर्स्ट व्यंजन है त और दूसरा है थ। तो त के ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, ट, ठ, ड, त। तो हमें त पे सर्कल करना है, तो हम करेंगे त पे सर्कल इस तरह से। फिर नेक्स्ट है थ। तो थ के ऑप्शन में क्या क्या है, क, ख, थ और ध। तो हमें थ कहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम सर्कल करेंगे इस तरह। फिर है एक्सरसाइज नंबर 2, चित्र पहचानिए
और उसका पहला वर्ण लिखिए। रेकनाइज द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम। तो हमें यहाँ पर पिक्चर रेकनाइज करनी है और उसका फर्स्ट लेटर लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर देखिए किसका है, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर है तरबूज, त से तरबूज। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त, तो अभी मैंने आपको दिखाया ही था कैसे लिखना है, तो लिखेंगे त से तरबूज, त से तरबूज। फिर नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पर देखिए क्या है, तो नेक्स्ट पिक्चर है थ से थर्मस, थ से थर्मस। तो यहाँ हम लिखेंगे थ, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ। थ से थर्मस, थ से थर्मस। नाउ अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। एड लेटर टू मेक द वर्ड। तो पहले हमें बनाने हैं वर्ण त के शब्द, फिर बनाएंगे हम थ के शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये पिक्चर देख लेते हैं किस किस के हैं। देखिए यहाँ पर एक है तकिया, एक है तसला और एक है तलना। तलना यानी हम जो फ्राई करते हैं, आपकी मम्मी फ्राई करती है ना पूरियाँ, तो उसे बोलते हैं तलना। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हम लिखेंगे त, त से तकिया, त से तकिया। फिर अगेन नीचे लिखेंगे यहाँ भी त, तो हो जाएगा त से तसला, त से तसला। फिर नीचे लिखेंगे अगेन त, तो बनेगा त से तलना, त से तलना। उसके बाद हम देखेंगे नीचे थ के शब्द, तो थ के शब्द देखिए क्या क्या बनेंगे, थर्मस, थर्मामीटर, थन और थपकी। ये हमारे 3 वर्ड बनेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे थ, थ से थर्मामीटर, थ से थन और थ से थपकी। थपकी मींस पता है सबको, थपकी मींस जब छोटे बच्चों को नींद नहीं आती है तो देखा होगा उनकी मम्मी उन गोद में बच्चों को सुला के ऊपर से हाथ से थपकी देती है, तो उसे थपकी बोलते हैं। ओके, सो अभी हम देखते हैं आगे की एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 4 है लिख कर सीखिए, राइट एंड लर्न। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर के हिसाब से जो ऊपर की लाइन दी हुई है उसे ट्रेसिंग करना है और नीचे यहाँ पर लिखना है। ओके, फिर उसके बाद है थ, थ से थर्मस, तो नीचे आपको लिखना है थ से थर्मस। तो इस तरह आपको ये दोनों लाइंस लिखनी है, थ से तरबूज और थ से थर्मस। उसके बाद की एक्सरसाइज है मजे मजे में। बॉक्स में दी गई आकृतियों के प्रयोग से तरबूजों के टुकड़ों पर मुंह बनाइए। तो देखिए यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पर देखिए कुछ फेसेस के मुंह दिखाए गए हैं, एक स्माइली, सैड। तो ये आपको तरबूज के जो यहाँ पर शेप्स दिए हैं उन्हें आपको बनाना है। देखिए मैं बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम ये वाला शेप बनाते हैं, यहाँ हम बनाते हैं इस तरह से, तो आपको नीचे से जो शेप से वो देखना है और यहाँ पर बनाना है इस तरह से। ओके, नाउ आगे का हमारा व्यंजन है द, द से
दरवाजा, द से दरवाजा, दरवाजा मीन्स डोर, दरवाजा मीन्स डोर। तो अभी देखेंगे हम द से दरवाजा किस तरह लिखते हैं। तो पहले हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे हाफ सर्कल और फिर इस तरह गोल सर्कल लेते हुए नीचे की तरफ उसे लाएंगे और ऊपर बनाएंगे स्लीपिंग लाइन। तो बन जाएगा हमारा द से दरवाजा, द से दरवाजा, दरवाजा मीन्स डोर। फिर है हमारा अगला व्यंजन ध, ध से धन, ध से धन, धन्स मीन मनी, मनी मीन्स पैसा, रुपया, तो उसे बोलते हैं मनी। तो अभी ध किस तरह लिखेंगे हम देखते हैं। यहाँ पर पहले हम बनाएंगे छोटा सा सर्कल, फिर हम बनाते हैं इस तरह से और ऊपर ले जाते हैं और स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। तो बन जाएगा ध से धन, ध से धन, द से दरवाजा, ध से धन, द से दरवाजा और द से धन, द और ध। फिर आता है आगे न, न से नल, न से नल, नल तो आपको पता ही है किसे कहते हैं, नल मीन्स टैप, पानी आता है जिसमें से, ओके। तो अभी हम देखेंगे न किस तरह लिखना है। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पर छोटा सा एक सर्कल और स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो बन जाएगा न से नल, न से नल, नल मीन्स टैप, नल मीन्स टैप, ओके। सो अभी हम देखेंगे आगे की एक्सरसाइज। तो यहाँ पर दिया है एक्सरसाइज नंबर 1, वर्ण पहचानिए और समान वर्ण पर गोला लगाइए, वर्ण पहचानिए और समान वर्ण पर गोला लगाइए, रेकग्नाइज द लेटर एंड सर्कल द सेम। तो देखिए यहाँ पर पहला व्यंजन है त, तो फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे त कहाँ पर है, तो वहाँ हम बनाएंगे सर्कल, यहाँ पर है त। फिर है थ, तो थ कहाँ दिख रहा है, थ है लास्ट सेकंड, तो हम यहाँ पर सर्कल करेंगे थ। फिर देखेंगे आगे, आगे है द, तो द कहाँ है, द है लास्ट में, तो यहाँ हम करेंगे सर्कल। फिर है ध, ध से धन, तो ध से धन पर हम करेंगे यहाँ अगेन सर्कल। फिर है न, न से नल, तो ये रहा यहाँ पर न से नल। तो इस तरह हमने सर्कल किए। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, चित्र पहचानिए और उसका पहला वर्ण लिखिए, रेकग्नाइज द पिक्चर एंड राइट फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम। तो यहाँ हमें पिक्चर रेकग्नाइज करनी है और उसका पहला लेटर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला लेटर क्या आना चाहिए, पहला पिक्चर क्या है यहाँ पर, फर्स्ट पिक्चर है दरवाज़ा, तो हाँ यहाँ हम लिखने वाले हैं द, द से दरवाज़ा, द से दरवाज़ा। फिर अगेन दूसरा पिक्चर देखिए, दूसरे पिक्चर में हमें दिख रहा है नारियल, क्या है ये, नारियल, तो हम यहाँ लिखेंगे न, तो हो जाएगा न से नारियल, न से नारियल। उसके बाद है यहाँ पर ध से धन, ध से धन, तो यहाँ हम लिखेंगे ध, ध से धन, ध से धन। अगेन मैं लिखने की ट्राई करती हूँ, ओके, ध से धन, ध से धन। फिर देखिए लास्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है, लास्ट पिक्चर में है दवात, दवात मीन्स इंक, तो यहाँ हम लिखेंगे द,
इस तरह द से दवात, द से दवा। अभी हम देखते हैं आगे का एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3, वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। एड लेटर टू मेक द वर्ड। तो पहला लेटर यहाँ पर है द, फिर है ध एंड लास्ट में है न। तो चलिए हम वर्ड बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे द के वर्ड, तो लिखेंगे द, तो बनेगा द से दर्जी, द से दर्जी। दर्जी मीन्स जो हमारे कपड़े सिलता है उसे बोलते हैं दर्जी, द से दर्जी। फिर दूसरा लिखेंगे अगेन, तो बनेगा द से दर्पण, दर्पण मीन्स मिरर, आईना, जिसमें हम हमारा फेस देखते हैं। फिर बनेगा नेक्स्ट वर्ड द से दवाई, द से दवाई। दवाई मीन्स मेडिसिन, जो हम बीमार होने पर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम ध पर। अभी हम बनाएंगे ध के वर्ड, तो ध के वर्ड बनाते हैं हम। यहाँ लिखेंगे ध, तो ध से बनेगा धनिया, धनिया। फिर अगेन लिखेंगे ध, ध से धब्बा, धब्बा मीन्स दाग, जो कि हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं कभी कभी खेलते समय या कुछ खाना बनाते समय, तो उसे बोलते हैं धब्बा। फिर बनाएंगे ध से धरती, धरती मीन्स लैंड। अभी हम देखेंगे आगे न के वर्ड, तो न के वर्ड हम बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे न, तो बनेगा न से नल, न से नल। फिर आगे लिखेंगे हम न, तो बनेगा न से नदी, न से नदी। और लास्ट में अगेन हम लिखेंगे न, तो शब्द बनेगा नयन, नयन मीन्स आइज, आँख। तो इस तरह हमने वर्ड्स बनाए द, ध और न के। उसके बाद है हमारी एक्सरसाइज लिखकर सीखिए, राइट एंड लर्न। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ऊपर के अकॉर्डिंग आपको नीचे लाइन में लिखना है द, ध और न। ये आपको 3 लाइन्स में ही लिखना है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद है लास्ट एक्सरसाइज, नारियल के खोपरे में मिट्टी डालिए और पौधा लगाइए। सो स्टूडेंट्स, ये आप आपके घर पे कर सकते हैं। यदि आपके घर पर नारियल हो, तो नारियल का जो नारियल निकालने के बाद जो उसका हिस्सा बच जाता है, उसमें आप मिट्टी डाल सकते हैं और उसमें सीड डाल के कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। ओके, तो आपके घर में यदि हो तो आप ये करके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन नंबर 7। और अभी हम एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर हमने कौन कौन से व्यंजन सीखे। सो हमने आज सीखा त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दरवाजा, ध से धन और न से नल। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन नंबर 7, तट पर पिकनिक। थैंक यू।